हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल यूनिट सेल। तो इस वीडियो में हम किसी सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई सिंपल यूनिट सेल है, जो उस सिंपल यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने टोटल उस यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है या कितना परसेंट स्पेस उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया है। तो सिंपल यूनिट सेल कौन सी रहेंगी? सिंपल यूनिट सेल वो रहेंगी जिसमें इन विच द स्फीयर्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ ए यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल रहेगी जिसमें स्फीयर्स केवल उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो एक सिंपल यूनिट सेल बनाएंगे हम यहाँ पर, और उस सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स या स्फीयर्स प्रेजेंट होंगे वो केवल उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे, उनको शो करेंगे। तो इस तरह से किसी भी सिंपल यूनिट सेल में जो स्फीयर्स रहेंगे वो उस यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे। इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ रहेगी वो ए है, और इस सिंपल यूनिट सेल के जो कॉर्नर पर जो स्फीयर प्रेजेंट है उसको हम यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे टू शो देयर रेडियस, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है? आर है। तो इस सिंपल यूनिट सेल के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो इस यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो भी कोई सिंपल यूनिट सेल होगी उसमें किसी भी कॉर्नर पर जो स्फीयर प्रेजेंट होगा वो स्फीयर अपने दो एडजेसेंट स्फीयर्स के साथ कॉन्टेक्ट में होगा। तो मान लेते हैं ये स्फीयर है इस कॉर्नर पर, इस यूनिट सेल के इस फेस पर, तो ये स्फीयर कांटेक्ट में रहेगा इस स्फीयर के और इस स्फीयर के, और ये स्फीयर अपने दो एडजेसेंट कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स या स्फीयर्स प्रेजेंट हैं उनके कांटेक्ट में रहेगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, और ये मिड पोर्शन रहेगा इनका इस फेस का। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्फीयर्स को ड्रॉ करेंगे ये शो करने के लिए कि जो एक कॉर्नर पर जो स्फीयर प्रेजेंट होगा वो उसी फेस के बाकी कितने स्फीयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो इस फेस के लिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो ये स्फीयर उसी फेस के जो एडजेसेंट कॉर्नर्स रहेंगे उनके साथ ये कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो मान लेते हैं इस यूनिट सेल की जो ये एज लेंथ है ए है, और इस एज लेंथ को हम रिलेट करेंगे विद द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, और यही एज लेंथ हमें दिखाई देती है इज इक्वल टू 2r। ये 1r है और ये सेकेंड r है। तो a इज इक्वल टू 2r। तो इस सिंपल यूनिट सेल की एज लेंथ a का रिलेशन रहेगा उस रेडियस ऑफ स्फीयर जो इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, क्या रहेगा वो? a इज इक्वल टू 2r। अब हम यहां से नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो कितने टोटल स्फीयर्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है? टोटल स्फीयर्स इन सिंपल यूनिट सेल, तो जो एक कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है या स्फीयर प्रेजेंट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा इस यूनिट सेल के लिए? वो होगा 1/8। तो इस पूरी यूनिट सेल में हमें टोटल कितने स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं? 8। तो इस 1/8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन दिस सिंपल यूनिट सेल। तो हमें केवल सिंगल पार्टिकल या सिंगल स्फीयर ही मिलेगा इस सिंपल यूनिट सेल के लिए, और इस
सिंगल स्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, 4/3 πr³। अब हमें कैलकुलेट करना होगा इस यूनिट सेल के लिए टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, a³। और इस a की जगह हम 2r को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इन सिंपल यूनिट सेल द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये रहेगा 2r, इसका क्यूब 8r³। तो अब हम उस सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल यूनिट सेल। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये वो स्फीयर रहेगा जो उस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां जो जेड हमने यूज किया है, जेड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्फीयर्स इन ए यूनिट सेल, और सिंपल यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स प्रेजेंट हैं, 1। और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 4/3 πr³, और r रिप्रेजेंट करेगा उस स्फीयर के रेडियस को। तो जब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे z की और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, 4/3 πr³, और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो क्या है, a³ है, और जब हमने इस a की जगह यहाँ 2r को सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें मिलता है वहां से 8r³। तो यहाँ r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4/3 × 8 × π, और ये मिलेगा हमें π/, और जब हम इस π/6 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 0.524। तो यहाँ से हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है इस सिंपल यूनिट सेल के लिए वो क्या है, 0.524। और परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस 0.524 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलेगी, 52.4%। तो कोई भी सिंपल यूनिट सेल हो उसमें जो स्फीयर्स हैं, चाहे उनका रेडियस कितना ही कम या ज्यादा क्यों ना हो, वो स्फीयर्स उस सिंपल यूनिट सेल में केवल 52.4% ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है किसी सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन दैट सिंपल यूनिट सेल। तो चाहे कितना ही बड़ा स्फीयर हो या छोटा स्फीयर हो किसी सिंपल यूनिट सेल का, तो अगर हम उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें उसकी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी 0.524, और जो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन ए सिंपल यूनिट सेल होगा वो हमेशा रहेगा 52.4%।